नमस्कार, मैं हूं रिहान अली और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मात्र 5 महीने बाकी है और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं शाकुंभर रोड बेहट पर, जहां पे समाजवादी पार्टी का, समाजवादी छात्र सभा का जो साप्ताहिक प्रोग्राम चल रहा है नौजवानों और छात्रों के लिए, उसी के चलते आज बेहट विधानसभा में साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और नौजवानों को जागरूक करना है उनके भविष्य के लिए और समाजवादी की पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का जो आह्वान और जो एक रणनीति समाजवादी पार्टी की हाईकमान से तय की गई है उसको लेकर के साइकिल यात्रा के माध्यम से उसको जन जन तक पहुँचाई जा रही है। उसी के चलते आज बेहट में ये रैली पहुँची है और ऐसी रैली छात्र सभा के प्रदेश प्रभारी भी इसमें पहुंचे, हम लोग उनसे बात करेंगे। जी सर, आप बताइएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एवं माननीय प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा श्री दिग्विजय सिंह देव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27 तारीख से 2 तारीख तक समाजवादी छात्र जागरूकता अभियान चला रही है। मुख्य उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम? मुख्य उद्देश्य ये है, वोट बढ़ाओ और परिवर्तन लाओ। छात्रों को जागरूक करना हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि युवा जब जब आगे कमान बढ़ाता है तो देश को नई दिशा देता है। आप प्रदेश भर में कभी सदस्यता अभियान के माध्यम से, कभी साइकिल रैली के माध्यम से इस तरीके से छात्रों को, नौजवानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो आप प्रदेश भर में जा रहे हैं और प्रदेश भर की स्थिति को जान रहे हैं, तो आपको क्या लगता है प्रदेश में समाजवादी को लेकर के क्या स्थिति इस समय बनी हुई है? जब आएगी खबर अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। क्या क्या पूरे प्रदेश भर की स्थिति से क्या पंद्रह लगा रहे हैं कि 2022 में समाजवादी लौट रही है? हम अपनी 400 सीटों की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं 2022 में। चलिए, हमारे साथ और बेहट विधानसभा से कुछ जो बेहट विधानसभा को लीड कर रहे हैं तो हमारे साथ में मौजूद हैं, क्योंकि एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है बेहट विधानसभा से। माननीय उमर अली खान जी को ग्रीन सिग्नल हाईकमान से मिल चुका है कि वही 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है उसी में समाजवादी के प्रत्याशी होंगे, तो जो उनके जो भाई हैं अली खान जी वो भी सक्रिय होकर के उनके लिए विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद, स्वागत है आपका नेशनल 24। क्या स्थिति है इस समय समाजवादी पार्टी को लेकर के बेहट विधानसभा में? भाई, आप चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी लहर है समाजवादी पार्टी की और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बेहट विधानसभा में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आप बेहट विधानसभा में सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं? भाई, अध्यक्ष जी आका अभी एक घंटे पहले, 2 घंटे पहले फ़ोन आया कि भाई यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है और माशाल्लाह जो युवा टीम है मुश्किल से 2 घंटे के टाइम में ही सब यहाँ पर जिस चीज़ को पता चलता गया वो यहाँ पर साथ हमारे इकट्ठे होते गए। तो एक वो ये है कि समाजवादी पार्टी की एक लहर है, जो समाजवादी पार्टी ने पिछले कार्यकाल में जो काम करे वो काम लोगों की नज़रों में है। जो समाजवादी ने जो गरीब मजलूम मजदूर का, किसान का जो उसने आवाज़ उठाने का काम करा था वो आज भी लोगों को पता चल गया कि भाजपा सरकार में क्या उत्पीड़न हो रहा है लोगों का। किसी भी मामले में आप थाने में चले जाएँ, तहसील में चले जाएँ, किसी भी गरीब का काम नहीं हो पा रहा है वहाँ पर। बहुत मुश्किलों के साथ उनको बेचारों को अपनी ज़िंदगी गुजार करनी पड़ रही है। तो बस मैं यही कहूँगा कि भाई इंशाल्लाह सारा युवा जिस भी सरकार बनाने का और जो भी सरकार गिराने का जो काम करता है वो युवा है। ये जो आज छात्र सभा की आज यहाँ पे इन्होंने रैली निकाली, मैं इनका अध्यक्ष जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने बेहट विधानसभा चुनी यहाँ पे और शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, हमारी विधानसभा से शुरुआत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह, और इन्हें मैं अपनी पूरी टीम के साथ मैं इन्हें ये भी आश्वासन दूंगा कि इंशाल्लाह ये जो बेहट की सीट है, आपकी जो मेहनत है, जो आपने थोड़ा सा टाइम हमारी विधानसभा में दिया, आपकी मेहनत जाया नहीं जाने देंगे, इंशाल्लाह सीट हम क्लियर करवा देंगे। एक सवाल यह है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे 2022 में अली खान जी जो हैं उनके छोटे भाई हैं और उमर जी जो हैं बड़े भाई हैं, आप सक्रिय होकर देख रहे हैं, तो किन मुद्दों, आपको क्या लगता है कि बेहट विधानसभा में कौन से बड़े मुद्दे हैं कि अगर समाजवादी विधानसभा में पहुँचती है तो जिनको लेकर के प्राथमिकता दी जाएगी कि बेहट विधानसभा इनके लिए जूझ रही है, हम लोग इन पर प्राथमिकता से काम करेंगे? देखिए, बेहट में अगर आप घाट की तरफ चले जाएँ, पहाड़ों की तरफ चले जाएँ, वहाँ पे नदियों का, जैसे बरसात का मौसम है, नदियों का इतना खतरनाक प्रकोप रहता है कि वहाँ पे लोगों के पास अगर नदी में पानी आ गया तो लोग सड़क पार नहीं कर सकते। हमारी मेन ये रहेगा कि भाई सबसे पहले लोगों को आपस में जोड़ा जाए। जोड़ा कैसे जाएगा? जब हम वहाँ पे पुलों का काम या रपटों का काम करवाएंगे, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। फिर दूसरी, घाड़ के नाम से जानी जाती है, यहाँ पानी पेयजल की बहुत समस्या है, तो उसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे। पिछले जो हम MLC रहे उसमें हमने बहुत कोशिश करी, काफ़ी जगह ट्यूबवेल लगवाए, बहुत ज़्यादा नलके लगवाए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सका, क्योंकि हमारे पे भी ज़्यादा अनुभव नहीं था। अब अनुभव के साथ
युवा टीम के साथ, बड़ों के सर पे हाथ के साथ, इंशाल्लाह सबकी मेहनत, सबके साथ सबका विकास करने का हमारी नीयत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। और आप अभी मेरे साथ बीच में एक चेहरा देख सकते हैं, आपने चैनल पे भी अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि जिन्होंने टीवी एक्टिंग छोड़ करके अभी समाजवादी ज्वाइन करके समाजवादी के लिए काम। बहुत शुक्रिया रोहित भाई, आप समाजवादी के लिए सक्रिय होकर के भेट विधानसभा में और जिले भर में आप काम कर रहे हैं, तो क्या स्थिति बनी हुई है 2022 को, ये चुनाव का आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज हम आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी सरकार, जो जुल्मी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसके विरुद्ध जो है जितने सब हमारे युवा साथी यहाँ मौजूद हैं, ये एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आने वाले 2022 में हम समाजवादी सरकार बनाने का काम करेंगे। एक बार और बताइएगा मुझे रोहित भाई, कि 2022 के चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारियां इस समय विधानसभा और बूथ स्तर पे चल रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, ये गलत है। ये बीजेपी वालों का साथ और बीजेपी वालों का विकास, ये इस नारे को लेकर साथ चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो चुनाव है वो किसी धर्म और जाति पर ना होकर सड़क पर, विकास पर, मजदूर पर, मजलूम की बात के ऊपर चुनाव होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब पिछली सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, उन्होंने समाजवादी पेंशन के रूप में, बेरोजगारी भत्ते के रूप में बहुत एक ऐतिहासिक काम करे हैं। और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम एक ऐतिहासिक सरकार बनाने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव में 400 विधानसभा सीटें पार करेंगे हम लोग। रोहित भाई, युवाओं की स्थिति मुझे बताइएगा, क्योंकि युवा आपसे तेजी से जुड़ रहा है, आपने एज ए टीवी एक्टर काम किया है, तो भेट विधानसभा के जो युवा हैं, क्योंकि आप उनके साथ कंटिन्यूसली, उनकी क्या स्थिति बनी हुई चुनाव को लेकर? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मेरे सब साथी जो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मेरे बड़े भाई उमर अली खान जी के नेतृत्व में सारे जितने युवा साथी हैं वो किसी व्यक्ति पर केंद्रित ना होकर विचारों पर केंद्रित होकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम यहाँ से उमर भाई को विधायक बना के, और मुझे उम्मीद है आने वाले कैबिनेट मंत्री के रूप में हम यहाँ से एक विधायक देखेंगे। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ हैं सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष वासिल तोमर जी। वासिल जी, बताइएगा कि इस समय जो जिले में समाजवादी के प्रोग्राम चल रहे हैं, वो क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां समाजवादी छात्र सभा के स्तर से समाजवादी पार्टी के लिए की जा रही है? पिछले 3 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे सभी कॉलेजों में, छात्रों में बहुत उत्साह है। लगातार जो उत्सव है ये देखने को मिल रहा है, लगातार जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। इस बार युवाओं ने मूड बना लिया 2022 में सरकार बनाने का। आदरणीय, आप कॉलेजेस में जा रहे हैं तो किस तरीके से रिस्पांस, क्या छात्रों का, जो छात्र हैं, क्योंकि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र हैं, क्या वो समाजवादी छात्र सभा के जरिए समाजवादी को ज्वाइन कर रहे हैं? समाजवादी छात्र सभा जागरूकता अभियान के तहत सुझाव के फॉर्म थे हमारे पास, वो कम से कम 500 फॉर्म हमने महाराज सिंह कॉलेज में कार्यक्रम करा, जिसमें सभी छात्रों ने अपना सुझाव दिया। छात्र पूरा मूड बना चुका है सरकार चेंज करने। तो अभी 2022 को लेकर के क्या जिले भर में, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं सपा छात्र सभा के, क्या तैयारियां हैं और क्या स्थिति इस समय बनी हुई है? लगातार हम युवाओं के बीच रहेंगे। एक नंबर भेंट विधानसभा से हमने आज तैयार घोषणा कर दी है कि हम युवाओं को जागरूक करके 2022 में सरकार बनाने का काम करें। तो जब तक चुनाव नहीं होगा, क्या छात्र सभा की मेहनत जारी रहेगी? लगातार ऐसे ही जारी रहेगी जैसे लगातार पिछले 3 दिन से समाजवादी छात्र सभा मैदान में है, मैदान में रहेगी जब तक कि समाजवादी आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखेंगे। थैंक यू। समाजवादी छात्र सभा के भेंट विधानसभा अध्यक्ष नवाब मलिक जी हैं। नवाब भाई, आप मुझे बताइएगा कि ये जो प्रोग्राम है, वो चाहे साइकिल यात्रा हो, चाहे सदस्यता अभियान हो, तो इसके जरिए क्या 2022 को लेकर किस तरीके की तैयारियाँ हैं छात्र सभा की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जनता इंतजार कर रही है कि इस वक्त में चुनाव होगा, सबसे बड़ी बात है। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है बीजेपी की मार से, जनता चाह रही है कि 5 महीने पहले चुनाव हो जाए और हम समाजवादी की सरकार बनाकर 2012 वाला विकास दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। हम लोग जो देख रहे हैं, छात्र हित में कोई काम नहीं हो रहा है, आम जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, और बेरोजगारी तो इतनी है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। आप लोग तो देख ही रहे हैं क्या है क्या नहीं चल रहा है। तो हमारे बेहट क्षेत्र क्या, पूरे ही प्रदेश में जनता ने मूड बना लिया है कि इंशाल्लाह 350+ सीटें लेकर समाजवादी सरकार बनाने का काम करेगी, और बेहट से उमर अली खान को हम लोग, आपको यकीन दिलाते हैं, विधायक बनाकर भेजेंगे इंशाल्लाह। नवाब जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि हम लोग इस वक्त जनता के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, और उनके लिए हम लोगों ने 350 से 350 भी कर दिया, तो बीजेपी तो अपनी उपलब्धियाँ गिना रही है और वो दावा कर रही है जीत का। देखिए सर, आपको मैं बताऊं, अभी बीजेपी ने 8 अपना तो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, 8 नए मंत्री बनाए हैं। वो उस समाज से जो मंत्री है उनके साथ एक छलावा करने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। 6 महीने चुनाव में नहीं रहे, जब तक उनकी नेम प्लेट की स्याही सूखेगी तब तक उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। क्या कर रही है बीजेपी सरकार, सिर्फ दिखावा कर रही है, दिखावे की राजनीति कर रही है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं देखने को मिल रहा है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से 2022 में देखने को मिलेगी। आप देखना, उत्तर प्रदेश उसी रफ्तार से दौड़ेगा जिस रफ्तार से 2012 के
बाद दौड़ा था 2017 तक। जो अखिलेश जी ने हमारे 2017 तक 5 साल में कार्य किए थे उसी के बेस पर बीजेपी सरकार टिकी हुई है। नया काम तो कोई है ही नहीं बीजेपी सरकार के पास। जितने भी अखिलेश जी ने रोड पास कराए थे, 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन, उन सभी का शिलान्यास बीजेपी सरकार कर रही है। कार्य सारे अखिलेश जी के किए हुए हैं, बीजेपी सरकार का कोई कार्य नहीं है इसमें। वो तो कह रही है ये हमारी उपलब्धियां हैं, हम लोगों ने रोड बनाए हैं, हम लोगों ने हाईवे बनाए हैं, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए सर, कहने की बात है, ये जुमलों की सरकार है, इसने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया। मैं तो छोटी सी बात कहूंगा, 10 लाख रोजगार का वादा किया था। अभी जो लास्ट महीने रिपोर्ट आई है सरकारी, उसमें कहा गया है कि इस महीने में 5 लाख रोजगार छीने हैं लोगों के। तो कहाँ से रोजगार दे रही है सरकार? सरकार ने सिर्फ छलावा किया है जनता के साथ, जो सपने दिखाए थे, वादे किए थे, कुछ नहीं किया और जनता को लूटने का काम किया है सरकार ने। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा के और समाजवादी के पदाधिकारी। आप सब लोगों ने सुना, अभी देखना होगा कि 5 महीने बाद जो है क्या वो स्थिति जो है बनी रहेगी या कोई पलटेगी, क्या क्या समीकरण होंगे, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। हमारा खास कार्यक्रम यूपी का युवराज कौन चलता रहेगा। अपने सहयोगी शादान के साथ नेशन 24 न्यूज़ पर मैं रिहान अली, जय हिंद।